तो आज हम सीख रहे हैं कि उर्दू के अंदर अगर इस तरह का एक सर्टिफिकेट बनाना हो तो किस तरह से बनाया जा सकता है, सनद या तजवीज करात के वगैरह के हवाले से। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलेंगे और यहाँ पे जाके हमने एक न्यू फाइल ले लेनी है और लेके हमें सबसे पहले इसका जो लेआउट है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना है। तो लैंडस्केप कर देना है इसको, यहाँ से लैंडस्केप हो जाएगा हमारा जो पेपर है, यानी कि पहले इस तरह से पोर्ट्रेट था और अब ये लैंडस्केप हो गया। उसके बाद डिजाइन में जाके यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके बेहतरीन किस्म के बॉर्डर हमें मिल जाएंगे। यहाँ से क्लिक करके ये वाले बॉर्डर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसे हम ये बॉर्डर्स को अप्लाई करेंगे तो ये बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, और भी बेहतर किस्म के बॉर्डर्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स जो है ना यहाँ से लगाइए और यहाँ पे क्लिक करके इस पर कलर लगा दीजिए इसके ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पिंक कलर या इस तरह का कलर लगा के ओके कर दिया, तो ये देखें इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और ये इतना खास नहीं लग रहा, हम इससे कोई बेहतर वाला बॉर्डर लगा लेते हैं। जैसे ये वाला बॉर्डर लगाते हैं, इसको 31 की विड्थ देते हैं, तो ये काफ़ी चौड़ा हो गया, तो ये कुछ बेहतर लग रहा है। लेकिन इसका कलर कुछ इतना खास नहीं है, तो कलर को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। जैसे कि इसका कलर हम ये वाला दे देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें जो बॉर्डर लगाया हुआ ये अलग से भी हम ले सकते हैं। अब ये इस तरह के अलग से बॉर्डर फिर हमें इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे करने पड़ेंगे, फोटोशॉप पे ले जाना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके लाने पड़ेंगे, थोड़ा लंबा फटीक का काम हो जाएगा। फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं हम कैसे कर रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा बॉर्डर ले लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगे, उसकी विड्थ बढ़ा लीजिएगा और उसके ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे, तो ये इस तरह का बॉर्डर बन जाएगा। अब उसके बाद आते हैं कि भाई इसके ऊपर ये जो बॉर्डर बन गया तो इसमें ये सारी चीज़ें किस तरह से की हैं। सनद तजवीज दो किरात, तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करके एक वर्ड आर्ट लेंगे। अच्छा ये ज़रा कंपैटिबिलिटी मोड में खुल गया है वर्ड, तो मैं इसको बंद करके दोबारा से न्यू फाइल ले लेता हूँ। तो उसमें खोलता हूँ उस वर्ड को, यहाँ से क्लोज कर दिया मैंने इसको और यहाँ से करके दोबारा से वर्ड को लोड किया और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से हम चले गए इसके लेआउट में और यहाँ से एक न्यू फाइल ले ली। इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिया मैंने सारा टेक्स्ट को, ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। और उसके बाद क्लिक करके यहाँ से इसको मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे रख के इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर रख लिया, इस पर डिज़ाइन में चले गए, यहाँ से क्लिक किया पे एक बॉर्डर्स पर और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसे किया हमने क्लिक किया और यहाँ पर जाके क्लिक करके हमने फॉन्ट साइज़ को यहाँ से बढ़ा दिया और यहाँ से बढ़ा के हमने कलर दे दिया इसको, सपोज टू बी ये डार्क कलर दे दिया, ओके कर दिया। ये कुछ बेहतर लग रहा है, लेआउट में जाके हमने इसका जो ओरिएंटेशन है लैंडस्केप पे कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिखना है सनद तजवीज़, तो इंसर्ट में गए, वर्ड आर्ट पर क्लिक किया, ये वर्ड आर्ट लिया, क्लिक करके इस पर यहाँ पर रख लिया। उर्दू लिखने के लिए मैंने आपको समझाया क्या करना है, सबसे पहले जो इसके अंदर टेक्स्ट है वो खाली कर दें, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके उर्दू कर दें, उसके बाद आपने होम में जाके इसके डायरेक्शन को राइट करना है और अलाइन को राइट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके शमील नूरी नस्तालिक ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्शन को राइट और अलाइन कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सनद तजवीद और किरात, तो यहाँ पे लिखते हैं सनद उर्दू ले लेते हैं, यहाँ सनद तजवीद किरात, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखे, कंट्रोल ई किया, फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया और इसके बॉक्स को थोड़ा छोटा कर दिया और उसको उठा के यहाँ पे रख दिया। मजीद अगर इसके अंदर कारीगरी करनी है, जैसे कि ये कलर शेड वगैरह वगैरह मंगाने, क्लिक करके ये देखिए कलर का शेड यहाँ से लगेगा इसके ऊपर ग्रीन वाला, और उसका आउटलाइन बनाना है, ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अच्छा अब उसके नीचे ये नाम लिखना है और एक खाली लिखना है, तो इसी को यहाँ से ले लें डुप्लीकेट, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट लगाएं, इसके नीचे लाएं, क्लिक करें, कंट्रोल ए करें, एन ए एम नाम किया आपने, इसको राइट अलाइन पर रखना है, ठीक है। उसके आगे ये डॉट लगा देना है, कंट्रोल ए करना है, फॉन्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 36 पर रख लेते हैं फॉन्ट, ये सही रहेगा, ये इस तरह से आपने बना देना है, ठीक है, इसमें नाम आ जाएगा बड़ा बड़ा लिखा हुआ। अब उसके बाद तस्दीक की जाती है कि कारी कारिया इब्ने बिनते तारीख़ पैदाइश वगैरह ये सारी चीज़ें लिखनी है हमें इसके अंदर, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि आप इंसर्ट में जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, कोई भी ले लें, ये ले लें। इस टेक्स्ट बॉक्स का आप काम ये लेंगे कि यहाँ पे इसको सेट करेंगे और यहाँ से लेके इसका ब्लॉक बनाएंगे जिसके अंदर आपने टाइप करना है, क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके अंदर के हिस्से को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम होम में जाएंगे, यहाँ से डायरेक्शन को राइट करेंगे, अलाइनमेंट को राइट करेंगे, फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे 18 पे रखेंगे, 18 पे रखने के बाद फॉन्ट लेंगे आपका टाइम्स न्यू रोमन से जमील नूरी नस्तालिक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे रख के आपने इस पे फिर क्या करना है, इस पे राइट बटन दबाना है, फॉर्मेट शेप पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाना है, जो इसकी आउटलाइन से यहाँ से जाके इस पर नौ आउटलाइन कर देना है और ये आउटलाइन यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके हम होम में जाएंगे, तो डायरेक्शन राइट है या राइट अलाइन है, तो फॉन्ट को अगर हम 20 पे रख ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं ताकि अच्छा नजर आए। अब लिखना है तस्दीक की जाती है कि कारी या कारिया, तस्दीक की जाती है कि कारी या कारिया, ठीक है। और डॉट, ठीक है, फिर लिखेंगे कि इबन, बिन और इब्ने, बिन बिन माने बेटा और बिनते माने बेटी, डॉट है, आगे चले गए। फिर यहाँ से अब हमने जाना है तारीख पैदाइश, एंटर किया, तारीख पैदाइश, ठीक है, पैदाइश पैदाइश, ठीक है। और उसके लिए डेट, कार्ड नंबर, कार नंबर, फिर उसके बाद ने जामा है, ने जामा कहते हैं इदारे को, ठीक है, जामिया, जामिया देश का नाम आएगा। अब जामिया का नाम थोड़ा कम हो गया तो उसको थोड़ा कम कर लेते हैं, कार्ड नंबर को और जामिया का नाम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। बात समझ में आ रही है या हवा में जा रही है? आ रही है, हवा में जा रही है, बदतमीज है यार। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे लेके एंटर करेंगे, ये आगे ले आएंगे कि भाई इदारे का नाम पूरा यहाँ तक ले लो उसको, ठीक है। से कोर्स तजवीद, से कोर्स तजवीद ओ किरात अज, ओ किरात अज, ठीक है, डैश ता डैश, ठीक है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख का सुनना लगे। तो यहाँ पे हमने तारीख एक ले लेनी है, तो दूसरी तारीख यहाँ ले लेनी है, थोड़ा जामिया का नाम बड़ा हो गया यहाँ थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तारीख लिखनी है इसके अंदर समय, तो तारीख जितनी लिखी जानी है उसके हिसाब से ब्लॉक बनाने, तो यहाँ पे आगे एंड कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, ता मुकम्मल किया है, मुकम्मल किया है, ठीक है। और आगे क्या लिख रहा है, जिसकी कामयाब तश्कील पर उसे सनद इकरार तजवीद से नवाजा जा रहा है, जिसकी कामयाब तकमील पर उसे सनद से सनद किरात से सनद किरात से सनद किरात ओ तजदीद से किरात सनद किरात ओ तजदीद से नवाजा जा रहा है। ठीक है, अब ऐसी आखिरी वाली लाइन लिखेंगे और आखिरी का जो नमूना इसके अंदर ऐड करना है वो आप ऐड करेंगे। चेक करते हैं यहाँ पे, थोड़ा लाइन स्पेसिंग को हम कम करेंगे इसका, तो लेआउट में जाएंगे, लेआउट में भी कोई ऑप्शन नहीं है, लाइन स्पेसिंग में भी एक लाइन का गैप कर लें, ठीक है, सेट हो गया। ये आखिरी लाइन इसकी यहाँ आ जाएगी, इसको थोड़ा सा कम कर लें, ये ब्लॉक आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर कर लें, तस्दीक की जाती है को, तो नीचे हमारे पास काफ़ी स्पेस आ जाएगा। फिर यही वाला ये वाला टोपी ड्रामा सही नहीं रहेगा, इसको पकड़ेंगे यहाँ से, क्योंकि नीचे इसने इसी तरह का फॉन्ट लिया हुआ ना, इसी ब्लॉक को कंट्रोल डी दबाएंगे, डुप्लीकेट हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। कंट्रोल ए करेंगे, सेलेक्ट होकर डिलीट कर दिया, ब्लॉक को छोटा करना है, ये ब्लॉक आपका छोटा हो गया, कितना छोटा करना है आप देख लें, और एक ब्लॉक को उठा के यहाँ रख लीजिए, बात तो आ रही है ना समझ में, ठीक है ना। अब इसका जो मैंने बॉर्डर खत्म किया था फिर से आ गया बॉर्डर, नो आउटलाइन करके अब खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आ गया इसके अंदर, अब क्या लिखना है इसके अंदर ये आपने बताना है। तो दस्तखत नाजिम आला, तो यहाँ पे लिखेंगे दस्तखत नाजिम आला, ठीक है, दस्तखत नाजिम आला, दस्तखत मौलम, कंट्रोल डी,
दस्तखत मुअल्लिम, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से दोनों पे लाइंस लगा दी ना, और यहाँ पे ये वाला मोनोग्राम बना लेना। बना लेंगे ना ये वाला मोनोग्राम, शेफ के जरिए बनेगा ये, ठीक है? तो लाइन लगा दो, ये लाइन ली, लाइन को थोड़ा मोटा करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, ये मोटी हो गई, ये पकड़ के यहाँ लगा दिया आपने, कंट्रोल डी लगाया और इसको पकड़ के आपने, अरे भैया ये देखो टेंशन वाली बात हो गई। अब कैसे पकड़े इसको, कोई टेंशन नहीं है। होम में जाएंगे, सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एक चीज आपको अलग नाम से नजर आएगी। स्ट्रेट लाइन एक आ गई, खुद ही पकड़ में आ गई। अब माउस से नहीं भी पकड़ी जा रही, कोई बात नहीं, डाउन एरो, लेफ्ट एरो दबाओ, ठीक है? समझ में आ गई ना बात? तो कभी भी टेंशन हो जाए तो इस तरह से काम निकाल लेंगे। ये बन गया आपका तजदीद कुरान। अब इसको सेव कर लेते हैं हम, और वर्ड फाइल्स में जा रहे हैं, इंग्लिश कर लेता हूँ, वर्ड फाइल्स जतिन, और यहाँ पे आ गए हमारी क्लास कौन सी हो गई है, 27 हो गई, 27 उर्दू सर्टिफिकेट। सही है भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है।